latent हीट। देखिए लेटेंट हीट क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय सप्लाइंग द टेम्परेचर। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस की आइस लेते हो तो सबसे पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में चेंज होता है और उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। अगर हम ध्यान देंगे तो देखिए, यहाँ सपोज मैंने एक कंटेनर में आइस ले रखा है, दिस इज आइस, सपोज इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही आपने इसमें हीट सप्लाई किया सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा वाटर में, एंड वाटर अगेन हैविंग द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। बाद में अगर आप फर्दर हीट करते हो बहुत ज्यादा, तब जाके उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सपोज 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब देखिए, इस दौरान मीन्स इस प्रोसेस से, इस प्रोसेस के दौरान नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, सिर्फ सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो ऐसा कैसे, अभी अभी हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर सप्लाई करने से काइनेटिक एनर्जी उनका इंक्रीज हो जाता है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर दे रहे हैं तो एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो वो जो सप्लाई किया हुआ टेम्परेचर है वो कहाँ चला गया, ये तो टेम्परेचर तो मेंटेन बना रहा, सिर्फ सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। सो द आंसर इज, जो हीट हमने यहाँ सप्लाई की गई है वो एज अ हिडन हीट यूज हो चुकी है उन मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाने के लिए जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होता है। चीज याद रखना, लेटेंट का मतलब होता है हिडन हीट, इसको हम बोल सकते हैं हिडन हीट। सो हिडन हीट कैसा होता है, इट्स अ लेटेंट हीट, लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज यूटिलाइज to change the state from solid to liquid, or it's a heat which is used to utilize the overcome the force of attraction between the particle. ये particles के force of attraction से बाहर निकलने के लिए use की कर ली गई है। So latent heat के बारे में हम यहाँ लिखेंगे, latent heat is the amount of heat is an amount of heat which supply to the substance to overcome force of attraction between the particles without changing its temperature तो ध्यान देगा आपने that latent heat is a hidden heat, actually latent heat is an amount of heat which supply to the substance to overcome the force of attraction between the particle without changing its temperature. Temperature change किए बिना ये solid से liquid में convert होता है, यानी सारी की सारी heat सिर्फ उस force of attraction को break करने में use हो गई है, जिससे सिर्फ state बदला है। अब जब एक बार state बदल जाएगा फिर उसके बाद जो हम heat supply करेंगे वो obviously उसका temperature बढ़ाएगा, यानी उसकी kinetic energy बढ़ाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ये वाटर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा, एंड देन और हीट देने पर ये 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारी वेपर्स बन जाएंगे इसमें। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक समय जब टेम्परेचर था आइस किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर में, यहां पर यूज हुई है लेटेंट हीट,
टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ फिर से टेम्परेचर कैसा हो गया है, कॉन्स्टेंट। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, यहाँ भी लेटेंट हीट यूज़ हुई है, लेकिन ये दो अलग अलग स्टेप में लेटेंट हीट है। देखिए यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है और यहाँ पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ है। सो वी कैन से दैट लेटेंट हीट के टाइप कितने होते हैं, सो टू टाइप ऑफ लेटेंट हीट, टू टाइप ऑफ लेटेंट हीट, जिसमें फर्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड सेकेंड है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है और टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, तो यहां पर हमारी जो लेटेंट हीट है वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, तो ये कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इनकी प्रॉपर डेफिनेशन अंडरस्टैंड करते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम किस तरह से लिखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट इन जूल, इन जूल, अमाउंट ऑफ हीट विथ सप्लाई टू द सॉलिड, टू द 1 kg ऑफ सॉलिड सब्सटेंस टू कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, to convert into liquid without changing its temperature, without changing its temperature. तो देखिए latent heat of fusion, it's an amount of heat in joule with supply to the 1 kg of solid substance to convert into the liquid without changing its temperature, that is called latent heat of fusion. इसमें एक बहुत important term है जो आप याद रखिएगा, latent heat of ice कितना होता है, means जब ice liquid में convert होती है तो कितने amount की energy, 1 kg आइस अगर आपने यूज की है तो कितने अमाउंट की एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सो दैट इज 3.35 × 10⁵ जूल पर kg, यानी आइस 1 kg आइस को इतना हीट पहले वो एब्जॉर्ब करेगी तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। यानी अगर हम बात करें, कभी आइस को तुम हाथ पर रख के देखना और एक 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर जो आप फ्रीजर से डायरेक्टली निकाल सकते हो और आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब हाथ में रखने देखना आपको कौन ज़्यादा ठंडा लगेगा, आइस या वाटर, तो आपका आंसर होगा आइस। क्यों आइस ज़्यादा ठंडी लगेगी? देखिए वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है और आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, लेकिन वो सॉलिड फेस में है। जैसे ही आप उसको हाथ पे रखते हो, इट स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम अवर हैंड टू कन्वर्ट सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड। अब जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहती है तो जो हीट उसको मिलेगा, एटमॉस्फेयर से तो उतना हीट मिल नहीं रहा है, तो वो किससे, जिससे टच हो रहा है उससे हीट एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी। और कितने अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी, 3.35 × 10⁵ अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी। तो जब एनर्जी हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब करेगी तो हमें वहां ठंडा महसूस होने लगेगा, क्योंकि आइस क्या है, सॉलिड फेस में है और वो सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड के बाद फिर जाके उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जबकि वाटर केस में क्या हो रहा है,
वाटर में ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस है, उसका फेस चेंज है, अभी उसको अगर स्टीम में कन्वर्ट होना है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो एक्चुअली उसे लेटेंट हीट की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी इट इज़ एन लिक्विड फेस। तो इस तरह से आइस हैविंग अ मच 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 कूलिंग इफेक्ट कंपेयर टू द 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। जब भी आपको लग जाता है या घाव होता है, हम आइस को उस जगह पे लगाते हैं, उसका रीज़न ही होता है क्योंकि आइस वहाँ से ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है, क्योंकि ये एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो जाएगी, एज अ लेटेंट हीट यूटिलाइज हो जाएगी टू कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, तो फेस चेंज में यूटिलाइज होती है। अब सेकेंड बात करते हैं हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए सेम लिखेंगे, इट्स अ अमाउंट ऑफ हीट इन जूल, अमाउंट ऑफ हीट इन जूल विच सप्लाई टू द लिक्विड, विच सप्लाई टू द लिक्विड, लिक्विड कितना होना चाहिए, 1 kg लिक्विड, विच इज सप्लाई टू द 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg ऑफ लिक्विड, सेम डेफिनेशन हम यूटिलाइज करेंगे, सॉलिड की जगह लिक्विड आ जाएगा, सब्सटेंस टू कन्वर्ट इन टू द गैस, विच सप्लाई टू द 1 kg ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट इंटू गैस। और इस तरह से जो अमाउंट की ही जो हीट एब्जॉर्ब की है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में यूटिलाइज हो जाएगी, एंड अगेन विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। सो अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वाटर की बात करें, सो लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज 2.25 × 10⁵, दैट इज जूल पर केजी, जूल पर केजी, इसको आप किलो जूल में भी चेंज कर सकते हैं, किलो जूल विल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2250 किलो जूल पर केजी, 2250 किलो जूल पर केजी, और यहां पर यूज हो जाएगा दैट इज 335 किलो जूल पर केजी, 2250 हटा दें या 0.0 लगा दें, 225 किलो जूल पर केजी, एंड हियर 335 किलो जूल पर केजी। इस तरह से ये वैल्यूज हमारी आ जाती हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट, हाँ इसमें एक क्वेश्चन भी आता है, स्टीम, आपने कभी देखा होगा कुकर के अगर आप पास खड़े होते हैं तो स्टीम हमारे पास आती है, दैट स्टीम कैन सर्व मोर सीवियर बर्न कंपेयर टू द 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, व्हाई? देखिए सीधा सीधा रीजन है, इट्स अ रीजन बेस्ड ऑन द लेटेंट हीट। स्टीम कन्वर्ट कैसे हुआ है, पहले 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बना, उसके बाद उसने इतने लेटेंट हीट के अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब की, उसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टीम में जो एनर्जी है वो कई गुना ज़्यादा है वाटर से। सो जब स्टीम में ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो ज़्यादा सीवियर बर्न प्रोड्यूस कर सकती है कंपेयर टू द 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो क्वेश्चन इसमें आता है कि स्टीम इज मोर डेंजरस देन द वाटर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, वाई? सो आप आंसर लिख सकते हैं कि स्टीम कंटेन लेटेंट हीट विच इज इक्वल टू 2.25 × 10⁵ जूल पर केजी, एंड सो इट विल क्रिएट अ मोर सीवियर बर्न कंपेयर टू द 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। इस तरह से आपको दो चीज़ें पता चली कि आइस जो होती है वो ज़्यादा अच्छा कूलिंग इफेक्ट दे सकती है, और जो स्टीम है वो ज़्यादा सीवियर बर्न प्रोड्यूस कर सकती है, दोनों के ही रीज़न है लेटेंट हीट, क्योंकि हिडन हीट इन दोनों में ही प्रेजेंट है, और जब हिडन हीट हो जाती है तो उनके पास एक्सेस अमाउंट की हीट प्रोड्यूस हो जाती है।
इसमें अगर मान लीजिए आपको स्टीम को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इतने अमाउंट की हीट यानी इतने लेटेंट अमाउंट की हीट को रिलीज करना होगा तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और लिक्विड को अगर गैस सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर की हीट रिलीज करनी होगी तब जाके वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से सॉलिड में सबसे कम एनर्जी होगा, देन लिक्विड में और देन गैस में। गैस में हाईएस्ट एनर्जी रहता है, इसीलिए स्टीम जो है, स्टीम के फॉर्म में जो वाटर है वो ज्यादा डेंजरस हो जाता है। अब इस सेगमेंट के अंदर हमें नेक्स्ट प्रोसेस पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड एवोपरेशन। लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज 225 × 10⁵ जूल पर केजी एंड 2250 किलो जूल पर केजी। जैसे वेपोराइजेशन था वैसे ही एवोपरेशन है। एवोपरेशन मीन्स लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में। हम लिखेंगे एवोपरेशन के बारे में, एवोपरेशन इज अ प्रोसेस, एवोपरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इंटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। नाउ बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? आपने घरों में देखा होगा, सपोज बाल्टी में आप पानी भर के रख दीजिए, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आप आके देखेंगे तो देखेंगे बाल्टी में पानी कम हो चुका है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो होता क्या है कि जब है ना सूरज की रोशनी या बाहर का एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ये वाटर आता है तो इस वाटर में कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी हैवी होती है, ज़्यादा होती है। ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो इजीली उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर आ जाते हैं और गैशियस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। गैशियस फेज में कन्वर्ट होने की वजह से धीरे धीरे पानी कम होने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि जब बाल्टी सूख भी जाएगी। तो इस मेथड को हम बोलते हैं एवोपरेशन, और इसीलिए इसको बोला गया है कि एवोपरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब हमने उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म नहीं किया फिर भी वो वेपराइज हो गया। उसका रीजन ही होता है कि एवोपरेशन एक स्लो प्रोसेस होती है और इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है जो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकल के एवोपरेट हो जाते हैं। एवोपरेशन किस तरह से हो सकता है, कहाँ कहाँ देखने मिलता है अपने को? हमने देखा घर के बाहर हम गीले कपड़े सुखाते हैं, थोड़ी देर के बाद आते हैं तो वो सूख चुके होते हैं। उसके अंदर जो पानी है ऑब्वियसली वो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो उबल के बाहर नहीं गया होगा, वो एवोपरेशन के थ्रू ही एवोपरेट हो जाता है और हमारे गीले कपड़े जो हैं वो सूख जाते हैं। घरों में जो पोछा लगता है वो थोड़ी देर के बाद सूख जाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो पानी, जिस पानी से हमने पोछा लगाया है वो एवोपरेट होके वेपराइज हो गया है। घर के बाहर गर्मियों में हम पानी छिड़क देते हैं, थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है, वहाँ वो पानी एवोपरेट हो गया है, ना कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले पहुँचा और फिर हुआ, नहीं वो एवोपरेट हो गया है, उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे से ही एवोपरेट हो गया। इस तरह से ये एग्जाम्पल अपने को देखने मिलते हैं। एवोपरेशन ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एवोपरेशन के रेट को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं? सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फैक्टर, दैट फैक्टर्स विच अफेक्ट एवोपरेशन। फैक्टर्स विच अफेक्ट एवोपरेशन, फर्स्ट है टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सेकेंड लिख लेंगे सरफेस एरिया। थर्ड लिख लेंगे ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ लिखेंगे विंड स्पीड। विंड स्पीड, ये 4 फैक्टर हैं जो एवोपरेशन के रेट को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। देखिए किस तरह से। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। आपने एक बहुत बड़े बर्तन में पानी भर के रखा हुआ है, नॉर्मल प्रोसेस से एवोपरेट हो रहा है, लेकिन अगर आपने उसको हीट करना शुरू कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ाना शुरू हो गया तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स को मिलना शुरू हो जाएगी और वो इजीली एवोपरेट होने शुरू हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवोपरेशन के।
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवोपरेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ एवोपरेशन। इस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी चीज का, वाटर का या किसी दूसरे सब्सटेंस का एवोपरेशन रेट हम बढ़ा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे हमारे नॉर्मल हमें किसी चीज़ को गर्म करना है या उसको गाढ़ा करना है, सपोज कोई चीज़ हम बना रहे हैं उसमें से हमें वाटर को एवोपरेट करना है, तो वी स्टार्ट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, वाटर एवोपरेट होके बाहर निकल जाएगा। इस तरह से एवोपरेशन रेट होता है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया से क्या होगा, आपके पास गीले कपड़े हैं, गीले कपड़ों को आप दो तरह से फैला के डाल सकते हैं, आपने उसको इस तरह से निचोड़ा और रख दिया सूखने के लिए कि अपने आप सूख जाएगा, और दूसरा आप कर सकते हैं कि उस कपड़े को अच्छे से फैलाएंगे, प्रॉपरली रस्सी पे डालेंगे तब जाके वो सूखेगा। अगर दोनों में कंपेयर करें तो कौन जल्दी सूखेगा, ऑब्वियसली जिसको हमने फैला के डाला हुआ है। फैला के डालने से क्या हुआ कि जितना भी वाटर पार्टिकल है वो डायरेक्टली हीट के कॉन्टेक्ट में आना शुरू हो गया, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा हुआ था, सरफेस एरिया बढ़ा हुआ था तो हीट एनर्जी आई उसमें, उसको उसको उसकी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस किया और वो जल्दी से एवोपरेट होना शुरू हो गया। सो वी कैन से दैट कि व्हेन द सरफेस एरिया इज हायर द रेट ऑफ एवोपरेशन विल आल्सो हायर। सो सरफेस एरिया भी रेट ऑफ एवोपरेशन के कैसा रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा रेट ऑफ एवोपरेशन से, ये इंक्रीज हो सकता है बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। चाय देखते हैं कि हम लोग या तो हम डायरेक्टली कप से पी सकते हैं या फिर हम प्लेट में या सॉसर में ले सकते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, प्लेट में लेने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज हुआ, जल्दी जल्दी हीट बाहर गई और वो ठंडी हो जाती है और उसको आप आसानी से पी सकते हैं। तो इस तरह से सरफेस एरिया के दो एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक तो वेट क्लोथ को ड्राई करना और दूसरा हमारा सॉसर से टी को, गर्म टी को पीना। That is the two example which is actually showing the surface area effect. Third आ जाते हैं हम humidity पर। देखिए humidity का मतलब होता है dampness, कि atmosphere में कितना moisture present है। जब आप coastal areas पे जाते हैं वहाँ पर atmosphere में ज़्यादा humidity present रहती है, ज़्यादा moisture present रहता है, तो यहाँ पर rate of evaporation decrease होता है क्योंकि already air में water present है। आप वहाँ पर किसी भी चीज़ को अगर जल्दी से एवोपरेट करना चाहते हैं तो नहीं हो सकेगी, द एटमोसफियर में डैम्पनेस होने की वजह से इस तरह की रीज़न हो जाते हैं। सो हम कह सकते हैं ह्यूमिडिटी से रेट ऑफ एवोपरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, इफ़ द ह्यूमिडिटी इज हायर रेट ऑफ एवोपरेशन विल बी लोअर। कोस्टल एरिया में कपड़े भी जल्दी नहीं सूखते बिकॉज ऑफ द ह्यूमिड नेचर, ह्यूमिड ज़्यादा होने की वजह से मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा और रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीज हो जाएगा। कूलर भी ठीक से काम नहीं करते हैं वहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट है, और मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा तो रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विंड स्पीड, विंड स्पीड बढ़ाने से, बिल्कुल सही है, जब आप अगर विंड स्पीड बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ एवोपरेशन बढ़ जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स को जल्दी काइनेटिक एनर्जी मिलती है और वो पास होते चले जाते हैं। सो विंड स्पीड इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवोपरेशन। ये फैक्टर्स थे जो रेट ऑफ एवोपरेशन को अफेक्ट करते थे। इस सेगमेंट में से कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ, आप इसको नोट कर लें फिर हम उस क्वेश्चन के ऊपर नजर डाल। हियर आई हैव रिटन फ्यू क्वेश्चन जो एवोपरेशन की कूलिंग इफेक्ट को शो करता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज प्रेस्पिरेशन मीन स्वेटिंग हेल्प कीप्स अवर बॉडी कूल ऑन हॉट डे। अगर कोई गर्मी का दिन है तो स्वेटिंग हमने को आता ही आता है। देखिए स्वेटिंग आने से किस तरह से अपने को कूलिंग इफेक्ट हो सकता है, बॉडी में स्वेटिंग आया दैट डायरेक्टली कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सनलाइट। जैसे ही ये हीट के कॉन्टेक्ट में आता है वो हीट के कॉन्टेक्ट में आना शुरू हो गया, राइट। अब ये जो स्वेटिंग आई है ये स्वेटिंग को एवोपरेट होना है, एवोपरेट होना है तो इसको डायरेक्टली टच किसके हैं, हमारी बॉडी से टच में है। बॉडी से टच में होने की वजह से ये जो स्वेटिंग है इट स्टार्ट टेकिंग द हीट फ्रॉम अवर बॉडी,
हमारी बॉडी से हीट लेगा इन द फॉर्म ऑफ द लेटेंट हीट, और ये लेटेंट हीट जो रहेगी जो उसको वेपोरेट होने में हेल्प करती है. सो इट एब्जॉर्ब द हीट विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट विच लीव्स द कूलिंग इफेक्ट इन अवर बॉडी. तो इस तरह से ये जो प्रेस्परेशन है या स्वेटिंग है वो हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट छोड़ कर जाता है, क्योंकि उसने क्या एब्जॉर्ब किया हुआ है, उसने हमारी बॉडी से लेटेंट हीट के अमाउंट वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था टू कन्वर्ट इनटू द गैशियस फेज. सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे. डेजर्ट कूलर ज्यादा कूल कर सकता है हॉट ड्राई डे में, ऐसा क्यों? जब भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है हम कूलर को यूज करते हैं. सी, कूलर क्या होता है, वाटर स्प्रिंकल करता है फ्लोर पर, चारों तरफ वाटर स्प्रिंकल करता है. अब चूंकि दिन गर्मी का है तो इसलिए क्या होगा, जो वाटर स्प्रिंकल हुआ है इट स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द फ्लोर, और वो उन चीज़ों से भी हीट एब्जॉर्ब करेगा जिन जिन चीज़ों पे वो गया हुआ है. हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा इन द फॉर्म ऑफ द लेटेंट हीट, और लीव पीछे क्या छोड़ कर जाएगा, कूलिंग इफेक्ट. सो वी कैन से दैट कि डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे बिकॉज इट कन्वर्ट इन टू द गैशियस फेज बाय टेकिंग द लेटेंट हीट, बाय टेकिंग द लेटेंट हीट. सो ये पीछे क्या छोड़कर जाएगा, दैट इज कूलिंग इफेक्ट छोड़ के चला जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ डज द वॉटर कैप्ड इन अर्थन पॉट बिकम कोल्ड ड्यूरिंग समर. मटका, अर्थन पॉट, अर्थन पॉट में वॉटर है, वॉटर में अर्थन पॉट में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स से वाटर कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके बाहर आता है. ये जो वाटर है गर्मी के दिनों में वाटर है, ये एवोपरेट होने की कोशिश करेगा. अब ये एवोपरेट होने की कोशिश करेगा तो ये हीट कहाँ से लेगा, ये हीट उस अर्थन पॉट से लेगा और प्लस उस वाटर से जो उसके अंदर स्टोर है. तो स्टार्ट एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द अर्थन पॉट एंड द वाटर इनसाइड द पॉट इन द फॉर्म ऑफ द लेटेंट हीट, और इस तरह से लेटेंट हीट के अमाउंट की एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेगा. तो ये कैसा हो जाएगा, पानी, अंदर के पॉट का पानी ठंडा हो जाएगा. तो इस तरह से हम गर्मियों में अर्थन पॉट में पानी रखते हैं क्योंकि वो लेटेंट हीट के थ्रू पानी जो पानी बाहर है वो लेटेंट हीट के थ्रू उसको ठंडा करेगा और पीने के लिए लायक बना देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वेयर इन समर एंड व्हाई. देखिए, समर में बेसिकली हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, उसका कारण क्या, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, स्वेटिंग हुआ तो कॉटन क्लॉथ ने उस स्वेट को एब्जॉर्ब किया, और अब ये जो स्वेटिंग है ये वेपराइज होना चाहती है. तो जब वेपराइजिंग के लिए ये हीट कहाँ से लेगा, हमारी बॉडी से लेगा, और हमारी बॉडी से लेगा तो लीव कूलिंग इफेक्ट पीछे की तरफ छोड़कर जाता है. इस तरह से कॉटन क्लॉथ हमको समर में पहनना चाहिए. इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एसीटोन को अगर हम हाथ में रखते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है, एल्कोहल को अगर हम हाथ में रखते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है. क्यों? क्योंकि इनका भी जो एवोपरेशन है वो होना स्टार्ट हो जाता है एंड इट टेक्स द हीट फ्रॉम अवर बॉडी. इस वजह से हमें ठंडा कूलिंग इफेक्ट महसूस होने लगता है. घरों के बाहर स्प्रिंकल कर दिया जाता है पानी से, दैट वाटर स्टार्ट टेकिंग द हीट फ्रॉम द फ्लोर, और पीछे क्या छोड़ के जाएगा, कूलिंग इफेक्ट. तो इस तरह से एवोपरेशन के कूलिंग इफेक्ट होते हैं, जो मैंने ऊपर हेडिंग लिख रखा है, कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवोपरेशन, जो ये शो करता है कि किस तरह से एवोपरेशन के दौरान कूलिंग इफेक्ट होता है और जो हमारी डेली लाइफ में देखने को मिलता है. इस चैप्टर के अंदर हमने लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, बस मैं आपको दो चीज़ और एक्स्ट्रा बता रही हूँ जो हमने स्टेट ऑफ मैटर में पहले पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, प्लाज्मा भी एक स्टेट ऑफ मैटर ही है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन भी स्टेट ऑफ मैटर भी है, लेकिन जनरली हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं. प्लाज्मा एक एक्चुअली इट्स अ आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर जो हमें सन में या स्टार्स में देखने मिलती है. मतलब गैशियस को भी अगर और हाईली, गैशियस मॉलिक्यूल को भी अगर और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दे दी जाए तो वो प्लाज्मा कंडीशन में नज़र आती है. और वहीं पर अगर हम सॉलिड पार्टिकल को भी और ज़्यादा कूल कर दे, बहुत ज़्यादा जब मॉलिक्यूल नज़दीक आ जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वो डिसअपीयर हो जाएंगे, उस पोजिशन को हम बोल सकते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट.
ये सबसे पहले बोस और आइंस्टीन ने ही देखा था, इसलिए इनके रिस्पेक्ट में इसका नाम दिया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जिस तरह से देखिए गैस का हायर रूप यानी आयोनाइज फॉर्म कहलाता है प्लाज्मा, वैसे ही सॉलिड का लोअर फॉर्म मीन्स और सॉलिड को और भी ज़्यादा अगर हम क्लोज कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो स्टेट डिसअपियर रहती है, वो नज़र नहीं आ सकती है, जो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, बट ये माना गया है कि ये कंडीशन भी हो सकती है। सो अगर हम देखेंगे सबसे लोअर पे हो गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, देन सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस, एंड गैस के ऊपर प्लाज्मा। एंड प्लाज्मा देखने को भी मिलती है यहाँ पे अर्थ पे भी, नियॉन बल्ब में जो रोशनी भरी रहती है दैट इज द प्लाज्मा, आयोनाइज्ड गैस होती है ये, सन में नेचुरली है एंड स्टार्स में नेचुरली अवेलेबल है। इस तरह से इस चैप्टर ख़त्म होता है। फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेटेंट हीट, फ्यूजन, वेपराइजेशन, दोनों का डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद करना है, कूलिंग इफेक्ट के जितने क्वेश्चंस हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन, एंड डेफिनेशन के दौरान एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट सॉलिड, लिक्विड और गैस को किन दो तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड आइस क्या होती है और ड्राई आइस क्या होती है, दैट ड्राई आइस इज सॉलिड CO2। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी क्वेश्चन वी डिस्कस इन दिस चैप्टर, आपको अच्छे से नोट्स बना के उसका तैयारी करना है। ओके।